नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सूखे के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर, राज्य में शीघ्र होगी ई मापी की सुविधा शुरू। निकाय चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी आई सामने। राजधानी सहित अनेक क्षेत्रों में भी मौसम हुआ सुहाना। जडेजा ने भारत के इन दो स्टार खिलाड़ियों को लेकर कही अहम बात। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सूखे के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर, इस साल मॉनसून के महीने में भी पर्याप्त से कम हुई बारिश की वजह से बिहार के कई जिले सूखे की जद में आ गए हैं। ऐसे में किसानों की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। हालांकि सरकार प्रयास में जुटी है कि किसानों के फसलों को बचाया जा सके। इस बीच खबर ये आई है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने बिहार के लिए बाणसागर और रिहंद जलाशय से पानी छोड़ दिया है। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बिहार सरकार ने सूखे की स्थिति को देखते हुए मदद मांगी थी, जिसके बाद अब एमपी के बाणसागर और यूपी के रिहंद जलाशय से बिहार के लिए पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद बिहार को करीब 10,000 क्यूसेक पानी मिलने लगा है। इससे अब बिहार के किसानों के सिंचाई के संकट कुछ हद तक दूर होगी। 14,000 फीट ऊंचे पतालसू चोटी पर पहुंचे जमुई की बेटी। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आए दिन हर क्षेत्र से ऐसी प्रतिभाएं निकल कर आती हैं जो बिहार के साथ साथ देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बीच जमुई प्रखंड अंतर्गत वार्ड नंबर 6 की निवासी पर्वतारोही अनिशा दुबे ने कमाल कर दिया है। दरअसल अनिशा दुबे के द्वारा गत नवम्बर 2021 में हिमाचल प्रदेश की पतालसू चोटी, जिसकी ऊंचाई 14,000 फीट है, जिसे फतेह किया गया है, जो काबिले तारीफ है। इसके लिए नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के क्रम में जिलाधिकारी जमुई अवनीश कुमार सिंह के द्वारा बीते दिन अनिशा दुबे को पुरस्कार एवं सहयोग राशि प्रदान की गई। पटना बिलासपुर सहित 10 एक्सप्रेस ट्रेनें 29 अगस्त तक रहेंगी रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप इन दिनों ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं या आपकी यात्रा ज़्यादातर ट्रेन से होती है तो आपके लिए अहम खबर है। दरअसल बिहार झारखंड से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, गुजरात समेत अन्य राज्यों में जाने वाली 10 ट्रेनें इस महीने अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायगढ़ और झारसुगुड़ा स्टेशनों के बीच नन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। ऐसे में पटना बिलासपुर, दरभंगा सिकंदराबाद, रक्सौल हैदराबाद, सिटी वास्को डिगामा एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनें 20 से 29 अगस्त के बीच अलग अलग दिनों रद्द रहेंगी। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी है, विस्तृत जानकारी के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। राज्य में शीघ्र होगी ई मापी की सुविधा शुरू। बिहार में अब जल्द ही जमीन की ई मापी की सुविधा शुरू होने वाली है। प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता बीते दिन सोनपुर पहुंचे, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सोनपुर पहुंचे भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि राज्य में जल्द ही ई मापी की सुविधा शुरू होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को 5-5 डेसिमल जमीन दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी भूमिहीनों का अगले 3 महीने में सर्वे किया जाएगा। गैर सरकारी लोगों को बैठक में शामिल करने को लेकर सत्ता विपक्ष में घमासान। गैर सरकारी लोगों को बैठक में शामिल करने को लेकर पक्ष विपक्ष में घमासान। बिहार की राजनीति में इन दिनों बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। एक और जहां नए सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अपने जीजा को सरकारी बैठक में शामिल कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव के करीबी भी सरकारी बैठक में देखे जा रहे हैं। अब इसी मसले को विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया है, जिसके बाद राजद भी इन आरोपों के बाद कहां रुकने वाली थी। अब राजद ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ उनके बेटे अर्जित की तस्वीर शेयर कर पलटवार किया है। आरजेडी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में बेटे का क्या काम है। वहीं अर्जित ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्हें सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम में अंतर मालूम नहीं है। निकाय चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी आई सामने। बिहार में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि राज्य के 248 नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही चुनाव संपन्न होगा। बीते दिन राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि पहले से गठित नगर निकायों में कुल 62 पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगर पालिका अधिनियम 12 के अनुसार कोई बदलाव नहीं लाया गया है। राजधानी सहित अन्य क्षेत्रों में भी मौसम हुआ सुहाना। बिहार में मौसम का मिजाज कब बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस बीच इस साल मानसून में पर्याप्त से कम हुई बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। वहीं कई क्षेत्रों का भू जल स्तर भी नीचे चला गया है, यह भी एक समस्या लोगों के सामने उभर कर आ रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से राज्यभर में मौसम सुहाना हो रखा है, बारिश भी हो रही है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी बह रही हैं। आज भी सुबह से ही मौसम सुहाना हो रखा है। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में यह बताया गया है कि आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर पूर्व पर्यावरण मंत्री। एनडीए सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री
मंत्री रह चुके बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू मुश्किल में घिर गए हैं। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी आय छिपाने की कोशिश की है। बताया गया है कि उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में संपत्ति से जुड़ी गलत जानकारी दी है, जिसके बाद पूर्व मंत्री अब इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर आ गए हैं। आपको बताते चले कि नीरज कुमार बबलू के वित्त वर्ष 2017-18 में 55,84,000, 2015-16 में 9,64,000, 2011-12 में करीब 25 लाख की अघोषित संपत्ति मिली है। आरसीपी सिंह ने ललन सिंह पर साधा निशाना। बिहार में सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह बताए जाने वाले आरसीपी सिंह बीते दिन गोपालगंज पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का ब्रह्मवर्षी समाज ने गोपालगंज में चांदी का मुकुट देकर सम्मानित किया। इस दौरान आरसीपी सिंह ने ललन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे झूठ और दबंगता की राजनीति करते हैं, जिसे बिहार की जनता समझती है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता, जिन्होंने 2020 के चुनाव में भाजपा जदयू को वोट दिया था, वे कभी भी राजद के साथ नहीं आएंगे, चाहे नेता पलट कर जिधर भी जाएं। आनंद मोहन मामले में आरजेडी नेता से होगी पूछताछ। नई सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद कैबिनेट के एक मंत्रियों के काले चिट्ठे खुल रहे हैं। दूसरी ओर आनंद मोहन का जेल से बाहर घूमना महागठबंधन सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। आपको बताते चले कि बीते 11 अगस्त को आनंद मोहन सहरसा जेल से निकले थे, जिसके बाद उन्हें उनके आवास पर देखा गया। इस मामले में अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया। वहीं अब राजद की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। दरअसल खगड़िया सर्किट हाउस में रुकने के दौरान आनंद मोहन की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें आनंद मोहन के साथ स्थानीय आरजेडी नेता भी नजर आए हैं। अब इस मसले पर राजद के नेताओं से पूछताछ होगी। डीएम आलोक रंजन घोष ने इसके संकेत दिए हैं। वहीं परिसदन के केयरटेकर ने अपने बयान में आनंद मोहन को पहचानने से इनकार कर दिया। जांच रिपोर्ट में उसका बयान आया है। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता की वजह है मोदी सरकार। बिहार में सियासी उलटफेर और राजनीतिक अस्थिरता की वजह मोदी सरकार है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये मानना है प्रशांत किशोर का। दरअसल बीते दिन मिथिलांचल दौरे पर निकले प्रशांत किशोर दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है। वर्ष 2012 से 2020 के बीच में इन 10 सालों में छठवां सरकार का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सरकार बदली है। इससे बिहार के विकास पर बुरा असर पड़ा है और विकास की धीमी हुई है। चिराग मॉडल नहीं, खुद नीतीश मॉडल की वजह से चुनाव हारा है जदयू। एनडीए से जदयू का बाहर होना और गठबंधन टूटने की वजह चिराग मॉडल को बताया गया था। जदयू ने कहा था कि चिराग मॉडल का इस्तेमाल कर सीटों को प्रभावित किया गया था, यही वजह थी कि जदयू महज 43 सीटों पर सिमट गई थी। इस मसले पर जब भाजपा नेता रामनिवास से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जदयू कोई चिराग मॉडल की वजह से प्रभावित नहीं हुई थी, बल्कि खुद नीतीश मॉडल से उसने जदयू का काफिला टूटा था। अशोक चौधरी ने गिरिराज सिंह को दिया सिनेमा देखने जाने का ऑफर। बिहार में सियासी घमासान जारी है, पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच जदयू ने बीजेपी को फिल्म दिखाने का ऑफर दे दिया है। दरअसल गिरिराज सिंह ने बयान देते हुए कहा था कि सिनेमा हॉल जाने में डर लगता है, जिसका जवाब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिया है। उन्होंने गिरिराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि गिरिराज सिंह किस सिनेमा हॉल में चले गए कि उनको डर लगने लगा, पता कर लिया जाए कि सिनेमा हॉल में कितनी सीटें खाली रह रही हैं। उन्होंने गिरिराज सिंह को बिहार बुलाया है ताकि वे उन्हें सिनेमा दिखाने ले जा सके। जडेजा ने भारत के इन 2 स्टार खिलाड़ियों को लेकर कही अहम बात। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने अक्षर पटेल की रविंद्र जडेजा से तुलना करते हुए बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। अजय जडेजा ने कहा, उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा के मजबूत विकल्प के रूप में उभरे हैं। पूर्व क्रिकेटर जडेजा ने कहा कि रन बनाने और टीम को जीत दिलाने में अंतर होता है। देशभर में आए 10,000 से अधिक कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शनिवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 13,272 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 185 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 78 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 1,17,596 कोरोना सैंपल की जाँच हुई है, जहाँ 199 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार, कविता कुमारी, विनोद महात्मा, मोहम्मद नौशाद, उमेश ऋषिदेव, ऋषिकेश शाह, दीपक दीप, इंद्रभूषण रवि, कुमार कौशल सिंह, अक्षय कुमार और तरुण कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम से किसानों को फायदा मिल पा रहा है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।